सागर जिले के अल्पप्रवास पुराए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने स्मार्ट सिटी कार्यालय के सभाकक्ष में कोविड संक्रमण और उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के भ्रमण कर मरीजों का हाल जाना। तो वहीं कोविड संक्रमण में एमपी बेहाल और स्वास्थ्य मंत्री चुनाव में व्यस्त वाले बयान पर स्वास्थ्य मंत्री की हड़बड़ाहट साफ दिखी। जल्दबाजी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बोले, जिन लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, आप अपने माध्यम से दिखा दें। आपके सागर में मैं तीसरी बार आया हूँ। चार दिन पहले भी मैं सागर में था, आज भी मैंने सागर में हूँ। एक महीने पहले, दो महीने पहले भी मैं सागर आया था, इसमें भी मैं दूसरी बार आया हूँ। हर जगहों पे जा रहा हूँ। अब भैया, आप लोगों को, जिन लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो उनको आप जरा इसे माध्यम से सब लोगों को दिखा दें। और अभी मैं अभी विदिशा जा रहा हूँ, अभी रात में तक जा रहा हूँ भाई। अंदर तक मैंने जाकर बात की लोगों से। सागर प्रवास पर आए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने बीएमसी में भर्ती मरीजों का हाल जाना और मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने आईसीयू के गेट पर वार्ड में भर्ती मरीजों से मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बीएमसी के डीन और अधीक्षक से कहा कि मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने यहाँ ऑक्सीजन, दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्टाफ सहित सभी चीजों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। सागर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सागर में ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही बेड्स की और ना ही इंजेक्शन की। सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। मैंने कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर समीक्षा की है।